कल आपका फोन आ रहा था एक नंबर एससी में है बता दिया मैंने महिला हूँ पुरुष हूँ कोई जीवन नहीं मेरे में रिपाल जी सुनिए जो आज की लॉट प्रक्रिया थी 4 और 6 एबीसी में ए महिला प्रक्रिया के अनुसार जो फाइनल पिक्चर हमारी निकल के आई है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 17 ध्यान दीजिएगा ये अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है इसमें पुरुष भी लड़ सकता है महिला भी लड़ सकती है यानी ये एक प्रकार से जेंडर के हिसाब से अनारक्षित है लैंगिक हिसाब से ये अनारक्षित है बट कैटेगरी वाइज ये एससी के लिए रिजर्व अनुसूचित जाति हेतु महिला हेतु आरक्षित वार्ड नंबर 16 ये एक प्रकार से डबल रिजर्वेशन हो गया कि ये एससी के लिए भी रिजर्व है और एससी महिला ही इसमें लड़ेगी पिछड़ा वर्ग ए हेतु आरक्षित जो वार्ड है वो हो गए 4 और 6 ये पिछड़ा वर्ग ए कैटेगरी के लिए रिजर्व हुआ है इसमें भी वही बात है इसमें लैंगिक रिजर्वेशन नहीं है महिला भी लड़ सकती है पुरुष भी लड़ सकता है पिछड़ा वर्ग हेतु महिला के लिए आरक्षित वार्ड कोई भी नहीं बना यानी बीसी ए कैटेगरी की महिला के लिए अलग से कोई वार्ड रिजर्व नहीं हो पाया हमारे लॉट की प्रक्रिया महिला और पुरुष दोनों है सर इसमें 4 और 6 में हाँ जी ओपन है मतलब ओपन है एक प्रकार से ओपन परंतु बीसी ए यस और महिलाओं के लिए जो आरक्षित वार्ड हुए वो मैंने आपको बता ही दिए थे सारे जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित वार्ड हुए हैं वो आप लिख लीजिए वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 15 सब सीधा कैसे दो दो से